राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की। यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। पांचवी बार राष्ट्रपति बनने के महज 9 दिन के भीतर पुतिन पहली विदेश यात्रा पर बीजिंग पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। वहीं पुतिन जिनपिंग की यारी पर अमेरिका बेहद नाराज है। अमेरिका ने चीन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन 2 नाव की सवारी नहीं कर सकता। अगर वो यूरोपीय देशों के रिश्ते सुधारना चाहता है तो उन्हें रूस को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगानी होगी। वहीं पुतिन जिनपिंग की बढ़ती दोस्ती का भारत रूस के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? पीएम मोदी के दोस्त पुतिन को क्या शी जिनपिंग बरगला देगा? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चीन में गले मिले पुतिन जिनपिंग, अमेरिका ब्रिटेन की बढ़ी टेंशन, सामने आई दुनिया की बर्बादी की तस्वीर, एक साथ दिखे रूस चीन के न्यूक्लियर फुटबॉल। व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार सत्ता हथियाने में भले ही कामयाब हो गए हों, लेकिन यूक्रेन से जारी मैराथन जंग ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है, और अब इस मुसीबत से निकलने के लिए वो रास्ते तलाश रहा है, ऐसे दोस्त की तलाश कर रहा है जो उन्हें यूक्रेन जंग समेत हर तरीके से सहयोग कर सके। इसी के तहत अब वो चीन से उम्मीद भरी आंखों से देख रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर राष्ट्रपति पुतिन ने चीन का दौरा किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि रूस और चीन भाई जैसे हैं। जिनपिंग ने सोवियत काल की धुन के साथ उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा, रूस और चीन की दोस्ती दुनिया में चल रही वर्चस्व की लड़ाई के बीच स्थिरता लाने का काम करती है। लेकिन पुतिन जिनपिंग मुलाकात के बीच चीन से दुनिया की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस और चीन के न्यूक्लियर फुटबॉल एक साथ दिखे। दोनों देशों ने अपनी परमाणु ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश की। दरअसल जब चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने के लिए पुतिन बाकी राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात कर रहे थे, इसी दौरान पुतिन और शी जिनपिंग के पीछे 2 अधिकारी रहस्यमय काले ब्रीफकेस ले जा रहे थे। अनुमान है कि यह बैग न्यूक्लियर फुटबॉल हो सकते हैं। क्या है न्यूक्लियर फुटबॉल? न्यूक्लियर फुटबॉल एक तरह का काला सूटकेस होता है, जिसे अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल और रूस में चेगेट के नाम से जाना जाता है। यह एक काले चमड़े का ब्रीफकेस होता है जिसमें न्यूक्लियर हमले के लिए कोड होते हैं। जानकारी के मुताबिक इस तरह का ब्रीफकेस हर समय अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के पास रहता है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से पुतिन ने रूस की परमाणु ताकत का इस्तेमाल पश्चिम के लिए खतरे के रूप में किया है। दूसरी तरफ चीन भी अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब साल 2023 में चीन की यात्रा पर गए थे, तब भी न्यूक्लियर ब्रीफकेस की चर्चा हुई थी। रूस ने उस समय पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस को लेकर कहा था कि कुछ ऐसे सूटकेस हैं जिनके बिना पुतिन की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती है। पुतिन जिनपिंग की दोस्ती से अमेरिका नाराज। रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती से अब अमेरिका नाराज है। अमेरिका ने चीन पर रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने कड़े लहजे में कहा कि चीन एक साथ 2 नाव की सवारी नहीं कर सकता। अगर चीन यूरोपीय देशों से रिश्ते सुधारना चाहता है तो वह रूस को हथियार सप्लाई कर उनसे दोस्ती नहीं बढ़ा सकता। हालांकि चीन ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया है। चीन ने कहा है कि वह अपने मिलिट्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालता है। अमेरिका को टारगेट करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगाने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। जो लोग आग को हवा देते हैं वे खुद उसकी चपेट में आ जाते हैं। चीन से व्यापार बढ़ाएंगे पुतिन। यूक्रेन से जंग के बीच अब पुतिन चीन से अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों को जाने वाली तेल और गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है, लेकिन जंग के चलते फिलहाल ये बंद है। ऐसे में रूस अब चीन को तेल और गैस की सप्लाई करना चाहता है।
वहीं माना जा रहा है कि चीन इसके बाद रूस के साथ हथियारों की बड़ी डील भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके सहगल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। राष्ट्रपति बनने के 9 दिन बाद शपथ लेते ही, जो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर पुतिन बीजिंग पहुंच गए हैं शी जिनपिंग से मिलने, तो इस मुलाकात को लेकर अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से शी जिनपिंग को ये कह दिया गया है कि अगर आपको यूरोपीय देशों से संबंध अच्छे करने होंगे तो अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। लेकिन इस तस्वीर के जरिए और अगर हम दोनों की बातचीत को देखें तो भारत पर और भारत और रूस की दोस्ती पर क्या असर आप देखते हैं और इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश हुई है? देखो, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देयर इज नो डायरेक्ट इंपैक्ट एज ऑफ नाउ। किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान को साफ तौर पर डिप्लोमेटिकली बड़ा चुस्त रहना पड़ेगा ये यकीन करने के लिए कल अगर वास्तव में हिंदुस्तान और चीन की झड़प हो जाती है तो हिंदुस्तान की जबरदस्त कोशिश होगी कि चीन के रशिया की तरफ से कोई पक्षपात ना हो, रशिया न्यूट्रल रहे और अगर जहाँ तक हिंदुस्तान का आर्म्स के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना है। अगर देखो, अभी भी रशिया से हम तकरीबन 45% हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट थे अभी भी रशिया से आ रहे हैं। और जब गलवान में झड़प हुई तो उस समय रशिया ने चीन को S-300 दिया था उसके मिसाइल देना बंद कर दिया और हिंदुस्तान की स्पीड अप कर दिया, डिलीवरी को स्पीड अप किया। तो यानी दूसरे लफ्जों में उस समय साफ तौर पर दर्शाया गया रशिया की तरफ से कि वो किसी प्रकार से अगर पक्षपात करेंगे तो हिंदुस्तान के फेवर में करेंगे। हिंदुस्तान और रशिया के रिलेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन चीन की ज़बरदस्त कोशिश है कि इन द इवेंट ऑफ एनी फिजिकल क्लेमिटी ऑन द बॉर्डर्स रशिया हर प्रकार से उनकी सहायता करे। लेकिन वो एज ऑफ टुडे अगर आज झड़प हो जाती है तो मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि रशिया किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होगा और अगर इन्वॉल्व हुआ तो हर प्रकार से न्यूट्रल रहेगा और हिंदुस्तान को किसी प्रकार से कोई भी स्पेयर पार्ट्स की रुकावट नहीं आएगी जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है। और रशिया इसका आश्वासन देता है, रशिया को साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान भी एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल और ग्रोइंग शक्ति है, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहा है, इस समय फास्टर ग्रोइंग इकॉनमी दुनिया में है, बहुत बड़ी मार्केट है। रशिया भी चाहता है कि हिंदुस्तान और रशिया का ट्रेड बहुत बड़े। और अगर आप देखो, जब से वेस्टर्न सैंक्शन लगी हैं ऑयल एंड गैस के ऊपर, रशिया से 40% ऑयल एंड गैस हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट है रशिया से ले रहे हैं। हिंदुस्तान ने तमाम सैंक्शंस का परवाह ना करते हुए साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान के हित में है, अपनी इकोनॉमी के हित में है कि हम वही कार्रवाई करें जो हमारे देश के लिए उचित हो। और हमने वेस्टर्न सैंक्शन की कोई परवाह नहीं की, S-400 के समय भी हमने वेस्टर्न सैंक्शन की कोई परवाह नहीं की, अभी भी ईरान के साथ 6 बार हम हर प्रकार वही कार्रवाई कर रहे हैं जो देश के लिए हित में है। और हम साफ तौर पर रशिया को क्लियर मैसेज दे रहे हैं, चाइना को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मेड इन अमेरिका नहीं है, मेड इन यूरोप नहीं है, अभी वो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी है मेड इन इंडिया है और इसके में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन तस्वीरों का, इस बढ़ती नज़दीकियों का और ये जो बातचीत हो रही है शी जिनपिंग और पुतिन के बीच, इसका भारत पर किसी तरह का कोई असर जो है वो फिलहाल भारत और रूस की अगर हम दोस्ती की बात करते हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। संजीव श्रीवास्तव जी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक रूस जो है वो यूक्रेन में अपनी पोजिशनिंग लेने लगा है। आप इस युद्ध को कैसे देख रहे हैं और साथ ही ये जो तस्वीर सामने आई है, सबसे पहले शी जिनपिंग से मुलाकात की है शपथ लेने के बाद पुतिन ने, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या बातचीत हुई होगी और इसका तमाम देशों पर या फिर इस युद्ध को लेकर हम बात करें क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में चाइना और रशिया की ये जो पार्टनरशिप है ये और अधिक गहरी होगी और इसका जो एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो राष्ट्रपति पुतिन हो या राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, दोनों अति महत्वाकांक्षी नेता हैं।
और जहां एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करना चाहते हैं, वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया की नंबर वन शक्ति बन जाना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं की जो अति महत्वाकांक्षाएं हैं उसके बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो सबसे बड़ा जो है एक बाधा है। और इसी वजह से चाइना और रशिया वर्तमान समय में मेरे असेसमेंट के मुताबिक संयुक्त रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो हेजिमोनी है उसको चैलेंज करने के लिए इन्होंने अपने अपनी पार्टनरशिप को नज़दीक बनाने का फैसला किया है। जहां तक रशिया की बात है तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के युद्ध में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह मंशा थी कि वो 15 दिन एक महीने के अंदर यूक्रेन के ऊपर विजय हासिल कर लेंगे और अपना एक सरकार पपेट सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध है वो इसेंशली यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है बल्कि एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है और दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन का जो इस्तेमाल है एक अखाड़े एक टेरिटरी बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। यूक्रेन के नेताओं के कंधों पर अक्सर बंदूकें चलाई जा रही हैं और ये लड़ाई परोक्ष रूप से महाशक्तियां लड़ रही हैं। इसी वजह से ये जो लड़ाई है ये आप जानते हैं कि 2 वर्षों से ज़्यादा की चल रही है। यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेटो ने सारी ताकत प्रोवाइड कराई है, चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, तमाम विजिट्स वगैरह करके। और जाहिर है कि रशिया भी झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि रशिया को अच्छी सफलता नहीं मिली है और 2 वर्षों के बाद मेरे असेसमेंट के मुताबिक रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब ये रियलाइजेशन हो चुका है कि वो अकेले नेटो की जो हेजिमोनी है, अमेरिका की जो हेजिमोनी है, उसको अकेले जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से अब उन्होंने चाइना के पास जाने का और उससे और अधिक नज़दीकी बढ़ाने का फैसला किया। इसी वजह से आप देखिए तो ये जो नया टर्म उन्होंने शुरू किया राष्ट्रपति पुतिन ने, उसके कुछ ही दिनों के अंदर पहली स्टेट विजिट उन्होंने चाइना की कर दी। और चाइना भी जैसा कि मैंने कहा कि बहुत एम्बिशियस है ताइवान को लेकर के, अमेरिका जिस तरीके से ताइवान के साथ खड़ा रहता है, चाइना की अनेक जो साजिशें हैं उसके विरुद्ध अमेरिका जिस तरीके से एक लामबंदी करता है, जाहिर है कि अमेरिका को चैलेंज करने के लिए चाइना भी रशिया के साथ आ रहा है। तो इसी वजह से आने वाले समय में जो विश्व में पोलराइजेशन है वो बढ़ेगा। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक पक्ष में दिखाई दे सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्या इस बढ़ती दोस्ती की वजह से दुनिया आने वाले वक्त में 2 धड़ों में बटी हुई नजर आएगी? ये भी बड़ा सवाल है, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुतिन के चीन दौरे पर ताइवान के रक्षा मंत्री की चेतावनी, चीन रूस की विस्तारवादी नीति को आड़े हाथ लिया। चीन रूस की विस्तारवादी नीति दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, लोकतांत्रिक देशों को इसका विरोध करना चाहिए, जोसेफ वू की तरफ से ये कहा गया है। तो ताइवान के रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है। पीके सहगल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो दोनों देशों की विस्तारवादी सोच है वो लोकतांत्रिक देशों के लिए बड़ा खतरा है। इसी सवाल में मैं एक और सवाल जोड़ देती हूँ। अगर एक तरफ यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, क्या शी जिनपिंग आने वाले वक्त में मध्यस्थता की भूमिका में नजर आ सकते हैं इस युद्ध को रोकने के लिए? मैं आपका सेकंड क्वेश्चन पहले आंसर करूंगा। आपको याद होगा शी जिनपिंग ने तकरीबन 1 साल पहले मध्यस्थता की कोशिश की थी, पीस प्रपोजल रखे थे जिसको यूक्रेन ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने ठुकरा दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एक सीज फायर किया जाए मौजूदा जगह पर, और रशिया ट्रूप्स की विड्रॉल की बातचीत नहीं की थी, क्रीमिया के से विड्रॉल की बातचीत नहीं की थी। तो इसको निगाह में रखते हुए अमेरिका ने और वेस्टर्न यूरोप ने इसको ठुकरा दिया था और कहा किसी प्रकार से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चीन अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इसकी पोलिटिकल सोल्यूशन हो। उनको साफ तौर पर नजर आता है इसकी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नजर नहीं आ रही। जितनी मर्जी रशिया ताकत लगा ले, अमेरिका और नेटो जो है किसी भी हालत में यूक्रेन को ये युद्ध हारने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये युद्ध हार जाता है यूक्रेन तो इसका बहुत बड़ा खतरा जो है पूरे यूरोप के ऊपर हो सकता है, और पूरे यूरोप के ऊपर खतरा मतलब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के हो सकता है। जहां तक विस्तारवादी नीति की बातचीत है, वास्तव में कई देश है जो चीन से और रशिया से डरे हुए हैं, खास करके यूक्रेन यूरोप में यूक्रेन डरा हुआ है। जबरदस्त कोशिश की जा रही है कि क्रीमिया को परमानेंटली हासिल किया जाए, जबरदस्त कोशिश की जा रही है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है जिस जहाँ तक डोनेस्क का एरिया है, खार्किव का एरिया वगैरह है, इसको हर प्रकार से रशिया अपने अपने पास रख ले,
रशिया की ये भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, अभी इसी पर संजीव जी आपसे भी सवाल है, क्या आने वाले वक्त में शी जिनपिंग जो है वो दोनों देशों के बीच, यूक्रेन और रशिया के बीच अगर युद्ध रोका जाए, बातचीत के जरिए अगर बात हल होती हुई नजर आए, क्या शी जिनपिंग मध्यस्थता की भूमिका में नजर आ सकते हैं? ये मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग की जो मध्यस्थता का ऑफर यदि वो फिर से करते हैं, जैसे जैसे सहगल सर ने कहा पहले भी उन्होंने ऑफर किया था जिसको कि जाहिर है कि वो सफल नहीं हो पाया था। चाइना के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि चाइना के पास जो क्रेडिबिलिटी की बहुत कमी है, चाइना के ऊपर कोई राष्ट्र विश्वास करने नहीं जा रहा है, लोकतांत्रिक राष्ट्र वेस्टर्न कंट्रीज वो चाइना को ट्रस्ट नहीं करते हैं, चाइना के जो फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं कर सकते। इसी वजह से चाइना के जो भी प्रपोजल्स होंगे उसको वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा शक की निगाह से पहले भी देखा गया है, आने वाले समय में भी यदि वो कोशिश करेंगे तो देखा जाएगा। और वास्तविकता यह है कि चाइना अपने ऐसे जो मनुवर्स होते हैं, ऐसे जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उसमें ईमानदारी के साथ जेन्युइन तरीके से कार्य नहीं करता है। चाइना अपने अपने सेल्फ सेंट्रिक जो उसके गोल्स होते हैं उसको हासिल करने के लिए ही वो इस तरीके के जो मनुवर्स लेंगे, और जाहिर है कि वेस्टर्न कंट्रीज उसे स्वीकार नहीं करेंगे, नेटो उसे स्वीकार नहीं करेगा, और चाइना के प्रस्तावों को गंभीरता के साथ नहीं लिया जाएगा। जाहिर है कि शी जिनपिंग की मंशा अवश्य होगी कि वो एक चौधरी बने, एक मीडिएटर की भूमिका में आकर के चाइना की। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी हमारे पास, बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार।